हाय दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सत्यम। स्वागत करता हूं आप सभी का मोस्ट एनआईसीटी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आप सभी को बताएंगे कि विंडोज क्या होता है, उस विंडोज की कैटेगरी में जो विंडोज 7 आता है, जो आज के डेट में हम सब अपने घर में यूज करते हैं, ऑफिस में यूज करते हैं, कंपनियों में यूज करते हैं, तो ये विंडोज 7 होता क्या चीज है, ये मैं आप सभी को इंट्रोडक्शन बताऊंगा। तो दोस्तों विंडोज 7 एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो किसी यूजर और किसी पीसी के बीच की एक कड़ी बनकर कार्य करता है। कहने का मतलब कि विंडोज 7 एक प्रकार का एक यूजफुल सॉफ्टवेयर होता है जो आज के डेट में चलाने में बहुत ही आसानी होती है उसमें, और जो आज के डेट में यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा पर्सन उसको यूज करते हैं, चाहे वो एक फ्रेशर यूजर हो चाहे वो एक्सपीरियंस यूजर हो, दोनों लोग उसको यूज कर सकते हैं और ऑफिस में यूज कर सकते हैं, बिजनेस में यूज कर सकते हैं, कार्यालय में यूज कर सकते हैं, अपने पर्सनल घर पे भी यूज कर सकते हैं, और छोटे छोटे बच्चों को भी वो चाहे तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो दो जो विंडोज 7 है ये विंडोज विस्टा से काफी सफल है, यानी विंडोज विस्टा भी विंडोज 7 के पहले आया हुआ एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसपे कार्य करने में थोड़ी कठिनाई होती थी, बट जब विंडोज 7 आया तो विंडोज विस्टा पे विंडोज विस्टा से सफल हो गया ये, क्योंकि इसमें काम करने के लिए बहुत ही आसान तरीके से इंस्ट्रक्शंस होते हैं और बहुत ही आसान तरीके से इसमें फंक्शंस होते हैं, क्योंकि विंडोज 7 को दो पर्पज से बनाया गया था, उसे आप पर्सनल यूज में भी यूज कर सकते थे और आप अपने ट्रेडिंग में यानी बिजनेस में भी उसे यूज कर सकते थे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कंप्यूटर की जो विंडोज 7 होती है, जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, विंडोज 7 जब स्क्रीन पे ऑन होता है, स्क्रीन पे ऑन होने के बाद में उसकी मेन स्क्रीन पे वो दिखाई कैसे देता है वह मैं आप सभी को बताऊंगा। मैंने यहाँ पे पीछे देखिए फिगर बनाई हुई है व्हाइट बोर्ड पे, और मैं ये आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा, एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, और आगे की जो आने वाली जो वीडियो है इसी चीजों को मैं बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन डीप एक्सप्लेन करके आप सबको एक अलग वीडियो दूंगा। तो इसमें केवल मैं आपको जानकारी दूंगा कि आपकी मेन स्क्रीन पे क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं और उनको क्या बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज क्या होती है कि देखिए, सबसे पहला चीज होता है कि ये हमारी पूरी की पूरी कंप्यूटर स्क्रीन मैंने मॉनिटर बना ली है अपने व्हाइट बोर्ड पे, और इसमें मैंने कुछ फिगर्स बनाए हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि हमारे कंप्यूटर में जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, ऑन होने के बाद में हमें क्या दिखता है, सबसे पहले डेस्कटॉप की स्क्रीन दिखती है। ये देखिए डेस्कटॉप की स्क्रीन है, यहाँ पे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे कोई भी इमेज लगा होता है, फिगर लगा होता है, ये डेस्कटॉप की स्क्रीन को हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड बोलते हैं। जैसे हम अपने मोबाइल फोन में, स्मार्टफोन में किसी भी फिगर को या फोटो को लगाते हैं वॉलपेपर के रूप में, सेम उसी तरह इस पे डेस्कटॉप बैकग्राउंड के रूप में लगाया जाता है। तो सबसे पहले स्क्रीन ये होती है, उसके बाद क्या दिखाई देता है, उसके बाद आइकन्स दिखाई देते हैं। दोस्तों आइकन्स क्या होता है, जब हमारे कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है या कोई फाइल बना दी जाती है, फोल्डर बना दिया जाता है, जो कंप्यूटर की मेन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, आइकन बोलते हैं। उस आइकन के अंतर्गत हमारा कंप्यूटर भी आ सकता है, रिसाइकल बिन भी आ सकता है, नेटवर्क के जो विंडोज आता है वो भी आ सकता है, फाइल फोल्डर्स भी आ सकते हैं, इमेज भी आ सकती है। तो ये होते हैं आइकन्स। उसके बाद क्या दिखाई देता है, उसके बाद आपको दिखाई देता है पॉपअप विंडो। दोस्तों ये पॉपअप विंडो क्या होता है, पॉपअप विंडो जब हम स्टार्ट मेनू पे, ये देखिए स्टार्ट मेनू होता है, आप यूज कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, स्टार्ट मेनू जो होता है, जो स्टार्ट मेनू पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, ये हमें स्क्रीन खुल के आती है सामने, एक पतली सी पट्टी खुल के आती है, ये पतली सी पट्टी, इसी को हम पॉपअप विंडो बोलते हैं। इस पॉपअप विंडो के अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे भी वो फंक्शंस होते हैं जो यहाँ पे दिखाई देते हैं, ये मैं आपको अलग बताऊंगा। उसके बाद क्या होता है, आगे चलते हैं, यहाँ पे एकदम देखिए जो लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे डाउन की तरफ यहाँ पे आपको दिखेगा स्टार्ट बटन, इसको स्टार्ट बटन बोलते हैं। स्टार्ट बटन को हम स्टार्ट मेनू के रूप से भी बोलते हैं। इस स्टार्ट बटन को यहाँ से हम यूज करके अपने सिस्टम को स्लीप मोड में डाल सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, हाइबरनेट मोड रख सकते हैं, यानी हम यहाँ से तमाम प्रकार की चीजों को, कंट्रोल पैनल भी यूज कर सकते हैं, तमाम प्रकार के काम को इस स्टार्ट मेनू से करते हैं, इसको स्टार्ट मेनू बोला जाता है। उसके बाद स्टार्ट मेनू के ठीक राइट साइड में जो भी यहाँ एरिया स्टार्ट होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, देखिए हमारा जहां तक यहाँ पे पेन चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक की एरिया जो होती है, इसको हम टास्क बार एरिया बोलते हैं। नीचे देखिए लिखी गई है टास्क बार एरिया। तो टास्क बार एरिया में जो भी हमारे कंप्यूटर्स में जो फाइल फोल्डर्स होते हैं यहाँ पे खुले होते हैं तो ये शो होते हैं। अगली चीज होती है नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया टास्क बार एरिया के ठीक बाद होती है। इसका काम होता है कि आपके कंप्यूटर में यदि कोई भी पेरिफेरल एक्सटर्नल डिवाइसेस लगाई गई हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया में शो होता है, चाहे वो ब्लूटूथ कान हो, चाहे वो यूएसबी हार्ड ड्राइव लगी हो, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगी हो, या आपका लैपटॉप है उसमें चार्जर लगा है, तमाम प्रकार की ये नोटिफिकेशन एरिया में डिवाइसेस शो होती रहती है। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में नोटिफिकेशन के जस्ट बाद
यानी राइट साइड के कॉर्नर पे डाउन की तरफ यहाँ पे डेट एंड टाइम एरिया होता है। इस डेट एंड टाइम एरिया के अंतर्गत आपके कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी आपने बाय डिफॉल्ट डेट एंड टाइम सेट किया होगा वो यहाँ पे शो होती रहती है। अगली चीज क्या होती है, अगला चीज होता है आपका, देखिए यहाँ पे एक आपको तीर का निशान दिख रहा है, इस तीर को निशान को हम क्या बोलते हैं, माउस पॉइंटर। तो माउस पॉइंटर क्या होता है, माउस पॉइंटर एक ऐसा चीज होता है आपके माउस का, जो माउस यूज करते हैं उसी का एरो होता है, इसी को माउस पॉइंटर बोलते हैं। इस माउस पॉइंटर के यूज से किसी भी फाइल फोल्डर्स को खोला जाता है, किसी भी सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट किया जाता है या किसी भी आइकन पे हम जल्दी जा सकते हैं। तो सिलेक्टेड के लिए भी हम क्या करते हैं, अपने इशारों के लिए ये हम माउस पॉइंटर यूज करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए पूरी की पूरी स्क्रीन मैंने आपको शॉर्ट में समझाई, आने वाली वीडियो में मैं आपको इसी चीज को एक्सप्लेन करके एक एक पॉइंट को अलग अलग एक्सप्लेन करके डीप में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।